भगवान की लड्डू गोपाल का पगड़ी देख रही हैं। तो यहाँ पर जी पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पर जो है पूजा की तैयारी शुरू हो रही है और क्रियांश की वहाँ पर हरकतें देखिए। पूजा की शुरुआत हो गई है और क्रियांश को लगाया जा रहा है चंदन। तो यहाँ पे आंटी फल काट रही है सारा प्रसाद के लिए। तो ये देख सकते हैं इसमें सब कुछ हमने मिला लिया है और ये जो चढ़ा हुआ था इसमें मैदा है, दूध है। सबसे अच्छा क्या बात लग रही है इस बार की पूजा की, जो हमारा जो पूरा परिवार है वह पूरा शामिल है। तो कल है हमारे घर पे पूजा और क्रियांश को देखिए, मम्मा का लिपस्टिक लगा लिया है छुपके से और क्या करा था पता है, ऐसे कर रहा था देख के। क्या सब लगाया दिखा दो, थोड़ा दिखा दो ना, शर्म भी आ रहा है इसको। तो जब तक हम गए तब तक लगा के कर रहा था, तो हमने जैसे देखा फेंक के तैयार ऐसे कि डर के ये क्या कर रहे हैं, फिर आईने में देख के इसको हटा रहा पोछ रहा था। और मैंने आज इसकी दो चोटी बनाई है। हाँ लड़की, तो यहाँ पे क्रियांश को देख सकते हैं। क्रियांश क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? तो अपना फेस नहीं दिखाएगा क्योंकि ये बदमाशी किए थे, अपना फेस नहीं दिखाता है जल्दी। क्रियांशी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, क्या किया ये? हो क्या हो? क्रियांश एक तो मेरा लिपस्टिक चोरी कर लिया, उसके बाद सर पटकता है। देखिए सर पटकेगा, सर पटकेगा ये, देख 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 रहे ना, देख रहे ना, कोई देख रहा बाबा नहीं देख रहे, देख रहे कोई नहीं देख रहा है बाबा को दिखा के पटकता है। अगर इसका बात नहीं कोई मानता है तो ये सर पटकता है। कोई नहीं देखा तुम्हारा, जा तो यहाँ पे बन रहा है सबके लिए चाय और यहाँ पे मैंने क्रियांश के लिए दूध ठंडा होने के लिए दे दे। क्रियांश सो के जो उठा दूध ने पिया और मैं दिखाती क्रियांश के लिए क्या कर रहा है। क्रियांश क्या कर रहा है, नहीं बना रहा, क्या कर रहा है बताओ। राघू नो नो, देखिए हाथ हटा के नो, आपको हटा के लेके जाएगा तब माथा पटकेगा। देखो नो नो बाबू नो, छोड़ दीजिए इसको, पीटने दीजिए, पीटो। A few moments later, तो कल हमारे घर में पूजा, यहाँ पे लिस्ट लिखाया जा रहा है जय, अब ये जय करा है। पहले पंडित जी थे ना, हाँ मेरे यहाँ वही कराते थे, वो नहीं रहे उनका, उसके बाद विजय जी कराते थे उनका बेटा, भगवान की क्या क्या बोलेंगे इसके बारे में, वो भी नहीं रहे। अभी विष्णु कांत झा है वो भी बहुत अच्छे पंडित है, पढ़े लिखे है, तो हम उन्हीं से पूजा करवाते हैं। 20 minutes later. तो यहाँ पे फल लिया जा रहा है, क्या क्या लिया? अनार ले रहे हैं, अनार 160 है, और बैर लिए हैं, बैर भी कितना है, बैर भी 60 रुपया है, अंगूर है 80 रुपये, डैडी लिए थे 3 किलो 100 रुपया में, 3 किलो हो गया कल ही तो लिए थे। आंटी ये वाला खाइएगा, हमको नहीं अच्छा लगता ड्रैगन फ्रूट, आंटी को कह रहे हैं ड्रैगन फ्रूट खाने के लिए, खा लीजिए। नहीं भैया ये कैसे, 100 रुपया पीस, बहुत ज्यादा आप दाम लगा रहे हैं जी। और आंटी तो चली गई है जी दूसरे साइड खरीदारी करने के लिए, हम कहे कि सभी लोग जो अलग अलग दिशा में बढ़ जाओ और कुछ कुछ सामान जो है सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी ले लो, वरना तीनों लोग एक साथ जाएंगे तो इस तरह करके जो लेट हो जाएगा, समय भी थोड़ा कम है। चलते हैं चल करके, हमें लेना है मिठाई, अभी जा रहे हैं भोला मिष्ठान, यहाँ पर सबसे अच्छा देखते हैं लड्डू और ये सब सब कुछ मिलता है, वहीं चल करके लेते हैं। हम लोग आ गए यहाँ पे पूजा का सामान लेने के लिए और पतिदेव गया मिठाई वगैरह लेने के लिए, तो जल्दी से हो जाएगा काम क्योंकि क्रियांश घर पे है तो पागल कर दिया होगा सबको, तो जल्दी जल्दी से आधा आधा काम बांटती है। फल ले लिए, बस केला बचा हुआ है, आंटी बोल रही थी वहीं पे केला लेने के लिए, बट हम सोचे कि उधर जाएंगे थोड़ा अच्छा मिलेगा, लेकिन वहीं जाके लेना है हमको। वहीं सामान लिया जा रहा है, भैया ढूंढ ढूंढ के एक एक करके दे रहे हैं। यहाँ पर जी ले रहे हैं मिठाई और यहाँ पर जो है लगभग सब कुछ जो है हो ही चुका है पैक, तो लगभग 100 आदमी के करीब सब आने वाले हैं, तो 100 लड्डू लिया गया है, समोसा छूट गया इस बार कोई नहीं, अभी ये लेकर के जा रहे हैं, फिर आते हैं समोसा भी खाया जाएगा, या तो हम आते रहते हैं समोसा खाने के लिए। तो मिठाई तो ले ली थी, ये मिठाई लेने के बाद ही अब चलते हैं जिया और आंटी के पास, उन लोग का शॉपिंग कहाँ तक हुआ है चल करके देखते हैं। और भैया जो है थोड़ा सा मजाक कर रहे थे कि इस बार समोसा नहीं खाइएगा, क्योंकि जब भी उनके दुकान आते हैं तो समोसा जरूर खाते हैं, तो इस बार जो है नहीं खाएगा, क्या कोई बात नहीं आ रहे हैं फिर हम खाएंगे। और जब भी हम कहीं भी बाहर रहते हैं, जैसे कटिहार से बाहर ही रहते थे ज़्यादातर, और जब भी कटिहार आते थे तो कटिहार का कुछ चीज है जो मिस नहीं करते थे, उनमें से एक था इनके यहाँ का समोसा। यहाँ पे आंटी लड्डू गोपाल का पगड़ी देख रही हैं, देखो पसंद करो कैसा लेना है, छोटे वाले का बड़े वाले का, दोनों का लेंगे ना, दोनों का, बड़े वाले का तो आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा क्योंकि उनके सर में आएगा वो, छोटे वाले का लेना पड़ेगा, छोटे वाले के लिए तो ये है। यहाँ पर जी आ गए और देख रहे हैं जिया और आंटी का जो यहाँ खरीदारी चल रहा है, साथ में लड्डू गोपाल का भी देख रही है क्या, देखिए बहुत महंगा है, महंगा है तेरा यार, कोई नहीं अच्छा हम लोग खरीद लेंगे। भंडार, द नेक्स्ट डे।
तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम सुबह उठ गए हैं बहुत दिनों बाद, इतना सवेरे उठे। नहीं तो क्रियान जब जगता है तभी उठते हैं, और घर में है पूजा तो उठना बनता है, और वो भी सुबह सुबह। तो आंटी भी उठ गई हैं, चलते हैं किचन। आंटी किचन में गैस चूल्हा को पोछ रही है क्योंकि इसी पे प्रसाद बनेगा, तो इसको अच्छे से पोछना बनता है। दीदी बोली थी रात में ही करने के लिए। हाँ। मैं बोली कि सुबह मैं उठ जाऊंगी, सुबह क्योंकि फिर से सुबह पोछना ही पड़ेगा। One hour later. तो अभी बज गए हैं जिस सुबह के 7:30 और इस समय जो है चल रही है पूजा की तैयारी। इस बार जो है पूजा हम लोग के घर में जो है सुबह सुबह ही थोड़ा अरेंज किया गया है, बाकी और सब समय जो है शाम में रहता है। हाँ तो जाओ नहा करके आओ। और यहाँ पर जो है सारा प्रसाद सबका चल रहा है तैयारी जी, उसके बाद हम भी जा करके जल्दी से नहा लेते हैं क्योंकि पंडित जी जो है आने ही वाले हैं कुछ ही समय। पंडित जी का कॉपी जांच का ड्यूटी लग गया। बिल्कुल, क्योंकि वह भी टीचर है पेशे से। ताकि यहाँ चौकी जी हो गया है साफ, हम इसको लेकर के नीचे चल गए हैं। केला भी लेके चल गए हैं, सारा फल सब चला गया है। फूल डाली सब भी नीचे लेके चल जाना, वो फूल डाली। तो यहाँ पर जी पूजा का सारा सामान लगभग तो आ चुका है, जितना भी प्रसाद और ये सब जो भी चीज था, पूजा का सामग्री था, जो भी हवन का था। और फिलहाल जो है हमें यह पहनना है, हमें आता ही नहीं पहनने, तो जब पापा फ्री होंगे तब उससे पहनवाएंगे, यानी तो पंडित जी जब आएंगे तो वो पहनाएंगे। ये मम्मी हमको कम से कम लगता है पिछले 4-5 पूजा से हमको पहनाया जा रहा है, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। जैसे पिंक वो नहीं है रेड कलर का धोती जो रेडीमेड मिलता है, वो हर में सारा को शेरवानी के हमारे पास है ही। अच्छा, हर में सारा पूजा में बैठो उसका यूज भी हो जाएगा। अच्छा, इसको बिठाते हैं ना, मैंने सोचा इसको भी सीख लिया जाए, भूल जाते हैं बार बार। वो रखोगे ना पूजा वाला, हर पूजा में धोती खरीद लो, अच्छा उसका यूज हो जाए, चलो ठीक है। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो यहाँ पर जी पंडित जी आ गए हैं और यहाँ पर जो है पूजा की तैयारी शुरू हो रही है, और क्रियांश की वहाँ पर हरकतें देखिए, क्रियांश भी अपनी तरफ से जो है सहयोग कर रहा है पूजा में। और फिलहाल जो है यहाँ पर प्रसाद सब काटा जा रहा है और हमने अपना जो है यह पहन लिया है। क्रियांश हो चुका है रेडी और यहाँ इसकी दादी का रही, एक सेल्फी लेना चाहिए, सेल्फी लेना है हमको फोटा के साथ। ड्रेस दिखा रहा है क्रियांश, ये देखिए, जय करो जय, जय करो जय, गुड बॉय, करो जय जय। दिमाग में है कुछ लेने के भागी। पूजा की शुरुआत हो गई है और क्रियांश को लगाया जा रहा है चंदन। और देखो देखो क्या, एक बार बस एक बार। हाँ, तो यहाँ पे आंटी फल काट रही है सारा प्रसाद के लिए। अनार छीन देते हैं आंटी। हाँ तुम अनार छीन। और यहाँ पे हमने दीदी क्रियांश को दूध गर्म करके खाना भी बन चुका है, तो ये देख सकते हैं सब्जी मस्त बना है ना। तो यहाँ पे प्रसादी जो है फल सारा काटा जा रहा है क्योंकि पूजा होने से पहले प्रसाद जो वहाँ पे चढ़ाना था वो दे दिया हम लोगों ने, और जो एक्स्ट्रा उसको कट करके रखना है, खाली कम पड़ रहा है तो हमने ये ले लिया है डिस्पोजल। इसमें सारा काट काट के अलग, जैसे इसमें अमरूद रखा हुआ है हमने और इसमें सेब रखा हुआ है, और सारे जितना फ्रूट है सबको रखेंगे। आंटी इधर काट रही है अभी भी, और भगवान की पूजा का ना कोई अर्थ होता है ना अनर्थ, इसलिए पूजा तो हर समय की जाती है, आ कोई खास ओकेजन जो है उसमें शुरुआत पूजे से होता है, और जब तुम सब काम संपन्न करता है तो अंत में भी उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो अभी खासकर मेरे यहाँ कोई ओकेजन तो नहीं है, लेकिन साल में एक बार हम पूजा कराते हैं, तो जनवरी से ही तैयारी में थे, तो तब तक मेरी बहन लोग सब आ गई, तो परिवार के सामने में सब लोग मिलजुल के पूजा करिए। पूजा तो ओकेजन पर ही होता 9 तारीख को, क्योंकि हमारी दोनों बहन एक जगह है बहुत दिन के बाद, तो संजोग दोनों बहन इकट्ठा हुई है, दोनों का साथ ही शादी हुआ था 9 मार्च को, एक मेरी बहन बेटी है उसके शादी में हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए पहले पूजा कर रही हूँ दीदी। आप लोग इतना दुआ कीजिए, इतना दुआ दीजिए सबको कि हमारे डैडी, हमारी माँ, मम्मी, पापा सभी लोग स्वस्थ रहे, ताकि हम लोग 50 वाला जो एनिवर्सरी होगा ना, 50 वो वाला बहुत अच्छे से करेंगे। जहाँ माँ सरस्वती की पूजा होती है
वहाँ सरस्वती की पूजा करने वाले लोग मिल भी जाते हैं। पहले बालकृष्ण बाबू मेरे यहाँ पूजा करते थे, इतिफाक हमारे परिचय हो गए उनसे, इस दुकान आदि से। वैसे तो अभी पंडित जी बन के आए तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन हैं तो अनुज, और हम उनकी सराहना करते हैं कि पढ़े लिखे आदमी हैं। वन की तैयारी हो रही है, सभी सामग्री मिला दिया गया है, और उसमें कपूर डाल के माची से आग जलाएगी। कपूरे न देगी कटोरी में निकालो ना, लकड़ी बगल आरती के लिए घी ले जा रही हूँ, घी को मिला करके अब आरती बनाऊंगी। पूजा हो गया जी शुरू, और सबसे अच्छा क्या बात लग रही है इस बार की पूजा की, जो हमारा जो पूरा परिवार है वह पूरा शामिल है, और हमारी जो आभा मौसी है जिसको हम आंटी बोला करते हैं, आंटी जो है लगभग हर पूजा में शामिल हुआ करती थी, पिछले एक दो साल से जो थोड़ी व्यस्तता की वजह से आंटी नहीं आ पा रही थी, और इस बार आंटी आई। जिया के आने से पहले जो है आंटी ही सारा सब कुछ पूजा का यहाँ पर संभाला करती थी। दीदी जब भी पूजा करती थी सबसे पहले आंटी को कॉल आ जाता था कि आभा तुम जो जरूर आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूजा हो रहा है, और आंटी आ जाया करती थी। और इस बार फिर से आंटी आ गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने दिन वापस आ गए हैं, और काफी अच्छा लग रहा है जी, सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। हमारे घर में किसी भी खास अवसर पर जो है पूजा तो की ही जाती है, लेकिन वैसे भी हमारे घर में एक तय होता है कि साल में एक बार तो कम से कम सत्यनारायण भगवान की पूजा होनी ही है। हमारे जो यह पंडित जी है जी, जिनका नाम हुआ विष्णुकांत झा, यह हमारी पूजा में जो है अक्सर आया करते हैं, ज्यादातर पिछले कुछ सालों से जो यही पूजा करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना जी, इनकी पूजा करवाने को लेकर के यह पूरा विधि विधान, एक एक जितना भी विधि होता है, जो भी रस्म होता है, किसी चीज को नहीं छोड़ते, पूरी मन से पूजा करवाते हैं। इसीलिए पूरा परिवार जो है जब भी पूजा करवाने की बारी आती है तो सबसे पहले इन्हीं का नाम हमारे जहन में आता है। यहाँ पर भी पूजा पाठ चल रही है, लगभग सब कुछ तो संपन्न हो गया, और अब बारी है पूजा का, जो सबसे आखिरी चरण है आरती का। तो सभी लोग जो है समूचा परिवार मिल करके हम लोग अभी आरती में शरीक होंगे। ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सेवा जय हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ कर सुरधर बोलो, भगवान मैया पार्वती की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, जय बोलो जय, बोलो बोलो। ऐसे दिन भर जय जय करते हैं, दिन भर तो ये परेशान है, जो क्या हो रहा है आन देख के डरता है, क्या हो रहा है बाबू, जय जय करिए, जय जय, जय जय कर दीजिए, करिए ऐसे जय जय मांगेगा। तो अब इसमें डाला जा रहा है चीनी, सब डाल दूं, छोड़ भी डाली, छोड़ छोड़ दूंगी। आपने देख लिया इसमें केला मैस करके डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, अब चीनी डाला हुआ है। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, है ना आंटी? हाँ, गुड़ भी डाल। ये उबाला हुआ दूध है, इसमें आप दूध डालिए। देखिए बताइए आंटी के साथ। हाँ, अभी अब मत। जय हो प्रिया, जय हो रहा है, जय हो रहा है, जय करो, जय 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 जय। ये देख सकते हैं इसमें सब कुछ हमने मिला लिया है, और ये जो चढ़ा हुआ था इसमें मैदा है, दूध है, तो हमको वैसे भी मैदा चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारा कुछ मिला हुआ है इसमें, मैदा चीनी जो भी है सारा कुछ, ये देख सकते हैं, इसको हम इसमें डाल देंगे और एक साथ मिला देंगे, क्योंकि चढ़ना भी था। आंटी पहले भी थोड़ा सा इसमें चीनी उनी डाल दी थी, इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। देख सकते हैं ये लिया हमने प्रसाद वाला ग्लास, और इसमें डालेंगे बैर, ये है सेब, के बाद ये है संतरा, थोड़ा अंगूर, जितना भी फ्रूट्स है आप डाल सकते हैं, और ये है अमरूद, केला
केला तो हमने मिक्स कर ही लिया है, और ये डाल दिया एक और संतरा, और इसमें थोड़ा डाल दिया अनार ऐसे, और एक डाल दिया ऐसे हमने मिठाई। ये हो गया हमारा प्रसाद रेडी। ये लो तुम प्रसाद। पहले हमारे फूफा जी आए थे, उनको दिया हमने प्रसाद, और क्रियांश क्या किया उस पर से एक मिठाई ले लिया, क्योंकि क्रियांश को मिठाई दी है नहीं थे, तो छीन लिया उनका मिठाई।